हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली जाऊंगी। मैं कोलकाता में 3 दिन रहूंगी। कोलकाता के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस मैं घूम के दिखाऊंगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो अभी मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ गई हूँ। ये है इंडिगो का फ़्लाइट, अगरतला से कलकत्ता 45 या 50 मिनट में पहुँचा देंगे। तो फ्लाइट में सारे पैसेंजर आ चुके हैं और यार उस दिखा रहे हैं कैसे सीट बेल्ट बांधना है और इमरजेंसी लैंडिंग में क्या क्या करना है, ये सब दिखा रहा है। अभी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। रनवे पर अभी स्पीड बढ़ा दिया है। आदमी जब से पैदा हुआ है उसने हवा में उड़ने के सपने देखे हैं। शायद पक्षियों को मुक्त रूप से गगन में उड़ता देखकर ही उसके मन में उड़ने की इच्छा जागी है। इसी इच्छा ने आगे चलकर एरोप्लेन के आविष्कार को जन्म दिया। इस खोज ने हमारी यात्रा करने के समय को इतना कम कर दिया है कि हम मिनटों में कई सौ किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। इस वर्ष 2022 हवाई जहाज के आविष्कार के 119 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। क्या आपको पता है एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था और कब? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। विश्व का पहला हवाई जहाज दो अमेरिकी भाइयों ने विल्बर राइट और ऑर्विल राइट नाम के दो भाइयों ने 17 दिसंबर 1903 को पहला हवाई जहाज आविष्कार किया था। ये देखिए, ये पूरा अगरतला शहर कैसे दिखता है, ऊपर से इसे दिखाई देता है। से कलकत्ता शहर को ऐसे दिखाई देते हैं। कलकत्ता शहर में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होता है, यहाँ कम से कम 40-50 मंजिल की बिल्डिंग है। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे हम लैंडिंग कर रही है। ये देखिए, ये पूरा कलकत्ता शहर ऐसे दिखाई देते हैं। फ्लाइट अभी लैंड हो चुका है। अभी लगेज के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। जिसका फ्लाइट नंबर जो भी है उसी में डिस्प्ले में आएगा कौन से नंबर पे आपका लगेज आएगा। ये यहाँ पर जो डिस्प्ले है यहाँ पे शो करेगा आपका फ्लाइट नंबर और आपके लगेज कौन से नंबर पे आएगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे लगेज के लिए। ये देखिए, ये कलकत्ता एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। यहाँ पर कितना पेड़ पौधा लगाकर इतना अच्छे से सजा के रख। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।